मुस्कान, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं बी फॉर प्रिंट न्यूज। रांची जिले के अनुमंडल, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड में आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले राजधानी रांची के अनुमंडलों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों में पदस्थापित 2020 कार्यालय अधीक्षकों, प्रधान लिपिकों, उच्च वर्गीय लिपिकों, निम्न वर्गीय लिपिकों और राजस्व उप निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। रांची के उपायुक्त ने कम से कम 2002 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और राजस्व उप निरीक्षक शामिल है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने 22 जून को ही इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिया। 3 जुलाई तक सभी को करना है ज्वाइन। जिन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उनमें 12 कार्यालय अधीक्षक, 32 प्रधान लिपिक, 43 उच्च वर्गीय लिपिक, 38 निम्न वर्गीय लिपिक और 77 राजस्व उप निरीक्षक है। सभी को 3 जुलाई तक उस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए कहा गया है। जहां ट्रांसफर के बाद उनकी पोस्टिंग की गई है, आदेश में स्पष्ट है कि 4 जुलाई से सभी को स्वतः विरमित मान लिया जाएगा। झारखंड सरकार और राजभवन फिर आमने सामने। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का आरोप, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है राजभवन। झारखंड में राजभवन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यह गंभीर आरोप लगाया गया है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने। एक ट्वीट कर उन्होंने साफ लिखा है कि राजभवन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव राजभवन पर यह गंभीर आरोप लगा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में रविंद्रनाथ महतो ने कहा, जनसंख्या के वक्त यह पता चल सके कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी, इसके लिए सरना धर्म कोड की मांग। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से परित करने के बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन ने बिल को लौटा दिया। यदि यह धर्म कोड पारित हो जाता है तो पता चल सकता है कि देश में आदिवासी भाई बहनों की संख्या कितनी है। आज तक यह बिल पास नहीं हुआ। जमीन विवाद से जुड़े मामले में बोकारो डीसी और चास के एसडीओ हाईकोर्ट में सशरीर हुए उपस्थित। बोकारो के चास के जमीनी विवाद से संबंधित एक मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में बोकारो के डीसी एवं चास के एसडीओ कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से जमीन का रिकॉर्ड को कोर्ट के समक्ष लाया गया। कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि जिस जमीन पर प्रार्थी अपना दावा कर रहे हैं वह किसी और की जमीन है, उस जमीन का पोजीशन भी उसके हाथों में है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए डीसी और चास एसडीओ को अगली सुनवाई 12 जुलाई में उपस्थित से छूट प्रदान की। साठ 40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति और इसमें 7/40 के प्रावधान के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर परोक्ष हमला बोलते हुए स्पीकर ने कहा कि छात्रों को नई नियोजन नीति पर भ्रमित किया जा रहा है। छात्र नारा लगा रहे हैं कि 7/40 नहीं चल तो छात्रों पर यह कहकर तंज किया जा रहा है कि क्या तुम्हें नौकरी मिली। स्पीकर ने कहा कि मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों, नेताओं और कॉलेज के प्राध्यापकों से बातचीत की, लेकिन उनको भी नीति में वर्णित 7/40 की स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुआ 60 स्थानीय और 40 बारी, जबकि ऐसा नहीं है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों के वर्णित 60 से तात्पर्य आरक्षण कोटी से है। इसमें 28% अनुसूचित जनजाति, 27% ओबीसी, 12% एससी और 10% स्वर्ण गरीब को मिला हुआ आरक्षण है, बाकी 40% ओपन फॉर ऑल है। उन्होंने कहा कि क्या बाकी का गैर आरक्षित 40% है, उसमें झारखंडी छात्र नहीं आएंगे। स्पीकर ने कहा कि यदि झारखंड सरकार थोड़ी पैनी निगाह रखे तो उन पर 40% में से भी
सारे झारखंडी छात्र ही आए। उन्होंने कहा कि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में संताली भाषा जोड़ दी जाए या स्थानीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी होना अनिवार्य किया जाए तो निश्चित रूप से उन 40% कोटे में भी झारखंडी छात्र आएंगे। उद्घाटन से पहले ही पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, गेट का शीशा टूटा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन से पहले ही खिड़की का शीशा टूट गया है। पटना से रांची के बीच रविवार को तीसरे ट्रायल के दौरान झारखंड के बरकाकांडा स्टेशन के पास यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि एक पत्थर आकर ट्रेन को लगा, जिसके बाद पहली बोगी के गेट पर लगा शीशा चटक गया। हालांकि ट्रेन पर जानबूझकर किसी ने पथराव किया है या रास्ते में कोई पत्थर उड़कर शीशे पर लगा है, इस बारे में जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 27 जून को होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन पहले ही ट्रेन का शीशा टूटने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पटना और रांची के बीच रविवार को वंदे भारत ट्रेन का तीसरा ट्रायल किया गया। पटना से जब ट्रेन रांची की ओर जा रही, एक पत्थर लगा, इससे शीशा टूट गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी सकते में आ गए। टूटे हुए शीशे को भी जल्द रिपेयर किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे बी फॉर प्रिंट न्यूज के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। देश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।